ध्यान से एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि एट ए पॉइंट डिसाइड करना होता है कि फॉर अ पीरियड हाउ मच वर्किंग कैपिटल बिजनेस नीड्स. कंपनी को एट ए पॉइंट फॉर द पीरियड कितने अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए ताकि बिजनेस अनइंटरप्टेड चल सके, ताकि बिजनेस में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो. इतना बड़ा ये सॉल्यूशन है, ये इतना बड़ा इश्यूज है जिसके एक ही झटके से बड़ा सा बड़ा बिजनेस एम्पायर ताश की पत्तों की तरह ठह जाता है. आपने सत्यम का नाम तो सुना होगा. सत्यम इसलिए ढह गया चूंकि शुरुआत के दिनों में इशू इसलिए आया चूंकि लोगों को सैलरी सही टाइम पे नहीं मिला. अगर सत्यम अपने वर्किंग कैपिटल को ध्यान रखा होता कि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल में किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हमेशा रखेंगे. अगर इस बात को हम दिमाग में रख ले तो कंपनी चलती रहेगी, इस बात की गारंटी है. सही तरीका से वर्किंग कैपिटल मेंटेन नहीं करने का सबसे बड़ा खामियाजा अभी अभी आपने देखा होगा सिद्धार्था. विजय सिद्धार्था को फेस करना पड़ा बिकॉज उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो कर दिया लेकिन वर्किंग कैपिटल सही मात्रा में नहीं रख पाए. तो एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द रनिंग द बिजनेस. अब बात आता है, अगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल तो इन्वेंट्री के लिए हमारा पॉलिसी क्या होगा. इन्वेंट्री तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है पॉलिसी फॉर इन्वेंट्री होल्डिंग. पॉलिसी फॉर इन्वेंट्री होल्डिंग, पॉलिसी फॉर इन्वेंट्री होल्डिंग दो हो सकते हैं. वन यूनिफॉर्म इन्वेंट्री, टू नॉन यूनिफॉर्म इन्वेंट्री. यूनिफॉर्म इन्वेंट्री एंड नॉन यूनिफॉर्म इन्वेंट्री. अब सबसे पहले हम देखते हैं नाउ यूनिफॉर्म इन्वेंट्री. यूनिफॉर्म इन्वेंट्री का मतलब होता है कि ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक. इज दैट क्लियर? ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, वो मतलब फिक्स्ड है. अब कहने के लिए एक तो सिंपल लाइन है कि ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक. ध्यान से देखिएगा, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक अगर फिक्स्ड है तो इसमें एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन मिलता है. बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन क्या है देखिएगा. लेट्स टेक अ रॉ मटेरियल. ये स्टोर है, आप देख रहे हैं स्टोर है. अब स्टोर में ओपनिंग स्टॉक है, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वैल्यू देखा जाए ओपनिंग स्टॉक है रुपीज 1 लाख एंड क्लोजिंग स्टॉक है रुपीज 1 लाख. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितना परचेज हुआ, जो परचेज आया स्टोर में आया, उतना ही इश्यू हुआ. यानी कि परचेज इज इक्वल टू व्हाट? कंजम्पशन. प्लांट में आ गया. अब देखो प्लांट में मान लिया जाए कि ओपनिंग WIP है 2 लाख एंड क्लोजिंग WIP है 2 लाख. ये फिक्स्ड है. इसका मतलब ये हुआ कि परचेज इज इक्वल टू कंजम्पशन. कंजम्पशन इज इक्वल टू व्हाट? फिनिश गुड्स. करेक्ट, इज अ फिनिश गुड्स. अब देखिए फिनिश गुड डिपार्टमेंट में, फिनिश गुड डिपार्टमेंट कहता है कि ओपनिंग स्टॉक 50,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 50,000. इसका मतलब क्या हुआ? जितना फिनिश गुड हुआ वो बिका. तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखेगा परचेज इज इक्वल टू कंजम्पशन, कंजम्पशन इक्वल टू प्रोडक्शन. ठीक है, कंजम्पशन इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्शन. एंड प्रोडक्शन इक्वल टू व्हाट? गुड सोल्ड. अब डेटर मान लो जाए कि 25,000 ओपनिंग है, 25,000 क्लोजिंग है. तो इसका मतलब कि जो बना वो बिका. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिफॉर्म इन्वेंट्री है यानी सबका ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिक्स्ड है, तो इसका मतलब एक पॉइंट मूव करके आता है. पॉइंट क्या मूव करता है? परचेज इज इक्वल टू कंजम्पशन, कंजम्पशन इज इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल. इसका मतलब हुआ कि चाहे रॉ मटेरियल निकालना हो, चाहे WIP हो, चाहे फिनिश गुड्स हो, चाहे डेटर्स हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सबका बेस सेम होगा,
सबका बेस सेम होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते समय, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन को पढ़ते समय सबसे पहले थारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये यूनिफॉर्म इन्वेंटरी है या नॉन यूनिफॉर्म इन्वेंटरी है। अगर कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में तो ये यूनिफॉर्म इन्वेंटरी है, ये मान के चलना। मैं आपको एक हिंट देता हूं, जब न्यू बिजनेस का केस होगा तो नॉन यूनिफॉर्म इन्वेंटरी आपको मिल जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अन्यथा 99.99% केस में यूनिफॉर्म इन्वेंटरी ही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। यूनिफॉर्म इन्वेंटरी का मतलब यह हुआ कि बेस ऑफ एवरीथिंग विल बी द सेम एंड द बेस विल बी टेकिंग फ्रॉम द सेल्स। तो सेल्स बेस सबके लिए हो जाएगा, सेल्स बेस सबके लिए हो जाएगा, बिकॉज यूनिफॉर्म इन्वेंटरी में सिंपल है, परचेज इज इक्वल टू कंजम्पशन, कंजम्पशन इज इक्वल टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज इक्वल टू सोल्ड। तो उसी के ऊपर हमारा बेस होगा। तो जब भी हम एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में हम लोगों के पास इन्वेंटरी के लिए दो पॉलिसी है, वन है यूनिफॉर्म इन्वेंटरी एंड टू है नॉन यूनिफॉर्म इन्वेंटरी। यूनिफॉर्म इन्वेंटरी में अपना ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिक्स होता है, तो इसके कारण क्या होता है, परचेज इक्वल टू कंजम्पशन, कंजम्पशन इक्वल टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इक्वल टू व्हाट, सोल्ड। नॉन यूनिफॉर्म में अपन को निकालना पड़ेगा हर वक्त पे, यानी कि हमें परचेज भी निकालना पड़ेगा, हमें कंजम्पशन भी निकालना पड़ेगा, हमें प्रोडक्शन भी निकालना पड़ेगा, हमें सोल्ड का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा और हमारा वर्किंग बढ़ेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है तो अपन लोग हमेशा अज्यूम करेंगे कि दिस इज द केस ऑफ व्हाट, यूनिफॉर्म इन्वेंटरी। दैट इज अ वेरी सिंपल पॉइंट। अब हमने सबसे पहले देखा कि पॉलिसी की बात क्या है, अब आपसे एक छोटी सी बात कही जा रही है, जब भी आपके पास एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन सामने आए तो सबसे पहले एक घर बनाइएगा, घर का मतलब प्रोफॉर्मा, और घर बना करके क्वेश्चन में जो जो आइटम दिया हुआ है वो डालते जाइएगा ताकि घर बसने लगे, क्योंकि दो ही पॉइंट मेन है, घर बनाना, घर बसाना। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर घर बनेगा तो घर बस भी जाएगा, घर बने रहना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, यहां पे एक प्रोफॉर्मा दूंगा कि घर में मुख्यतः कितने कितने आइटम होते हैं बसाने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि हर घर में सारे हो, किस घर में बसाने के लिए क्या आइटम होना चाहिए, क्या आइटम होगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आप घर बनाएंगे और बसाने के लिए जो जो क्वेश्चन में दिया है वही डालिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे घर बसाने के सिलसिला में WIP दे रहा हूं, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन है लिखता है इग्नोर WIP, इसका मतलब उस घर को बसाने में WIP की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है, कोई लेनो देनो नहीं है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले आपको घर बनाना है और घर बनाने के लिए क्या क्या आइटम हो सकता है, घर बसाने के लिए क्या क्या आइटम हो सकता है वो मैं आपको दे देता हूं। तो पहले घर बनाना है और इसको आराम से लिखिएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एट अ टाइम फॉर द फ्यूचर स्पेसिफाइड पीरियड। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट at a time for the future specified period। अब देखिएगा, घर बसाने में हमारे पास टोटल 6 कॉलम होंगे, 1 particulars, 2 period, 3 calculation, 4 unit of output, 5 रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, 6 वैल्यू। अब ध्यान से देखिएगा, ये 6 कॉलम जरूर बनाएगा, ये जरूरी नहीं है कि 6 का 6 कॉलम फील हो, लेकिन क्वेश्चन पूरा का पूरा उतर के यहां आ जाएगा और अपन लोगों के लिए कंप्यूटेशन चुटकी का खेल हो जाएगा, क्योंकि अपन का तो एक ही स्लोगन है, वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन अपन लोगों को 5 मिनट में निकालनो है, सिर्फ 5 मिनट में निकालनो है, बरोबर ना? यप यप यप। अप
Download the app Anytime Classes. Buy CA classes in app, pen drive, SD card and in tab. Learn like never before. Buy full course at promotional price. Don't forget to download the ATC app for free motivational videos. पर्टिकुलर में घर बसाने के लिए अपन लोगों को आइटम चाहिए कैश. पहला कंपोनेंट चाहिए कैश. देखिए घर बसाने के लिए कैश चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए ना. तो बिजनेस का घर बसाने के लिए वर्किंग कैपिटल का सबसे पहला आइटम क्या है? कैश. कैश मुख्यतः रूप से क्वेश्चन में दिया रहेगा. चलिए जी, कैश वैल्यू के कॉलम में आ गया. घर बसाने के लिए दूसरा आइटम चाहिए रॉ मटेरियल. दूसरा कंपोनेंट चाहिए रॉ मटेरियल. चलो जी, रॉ मटेरियल आ गया. अब घर बसाने के लिए तीसरा आइटम है WIP. WIP आपके पास यहां पे आ गया. जब जब WIP आएगा तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा. क्वेश्चन डिग्री ऑफ कंप्लीशन बोलेगा. डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बारे में पहले मैं बता चुका हूं, बट अगर क्वेश्चन में बोलता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन में मटेरियल इमीडिएटली पेड एंड लेबर एंड ओवरहेड इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब यह है कि 100% यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए मटेरियल लग चुका है, लेकिन 50% यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए लेबर लगा है एंड 50% यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए ओवरहेड लगा है. इसको आपको घर बसाने में क्लियर तरीका से दिखाना पड़ेगा. अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल एस्टीमेशन ही रॉन्ग हो गया तो आप बिजनेस को सुचारू रूप से नहीं 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 चला सकते हैं. तो जब भी WIP आएगा तो मटेरियल लेबर ओवरहेड आएगा. बट ये कैसे आएगा, किस लेवल पे आएगा, इसके लिए क्वेश्चन में हिंट होगा, आपको देखना पड़ेगा. तो घर बसाने के लिए पहला आइटम आपने कैश देखा, दूसरा आपने रॉ मटेरियल देखा, तीसरा आपने WIP देखा. अब चौथा आइटम चाहिए फिनिश गुड्स. चलिए जी, फिनिश गुड्स लिख लिया. फिनिश गुड्स लिखने के बाद आपके पास नेक्स्ट आइटम चाहिए डेटर्स, एंड डेटर्स के बाद आपको चाहिए एडवांसेस. एडवांसेस में प्रीपेड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आप देखिएगा. तो ये टोटल आइटम आपको चाहिए घर बसाने के लिए. ये आइटम चाहिए 1 कैश, 2 रॉ मटेरियल, 3 WIP, 4 फिनिश गुड्स, 5 डेटर, 6 एडवांसेस. याद है आपको पहले भी 7 याद किया था, उसमें से प्रीपेड हमने हटा दिया क्योंकि हो भी सकता है, होगा भी, लेकिन हम यहां पे देखते हैं. तो हमारे पास घर बसाने के लिए कितने आइटम चाहिए, हमारे पास ये 6 आइटम चाहिए. अब जिस घर को आप बना रहे हैं उसके क्वेश्चन में देखिएगा कि क्या क्या है. अगर मान लो कहता है कि WIP इग्नोर, तो WIP हमारे इस घर में नहीं आएगा. तो क्वेश्चन से देखिए कि उसमें क्या है. पहले घर बनाइए और घर बनाने में क्या क्या आइटम लिख ले चाहिए वो यहां पे आइटम लिख लीजिए, कंपोनेंट लिख लीजिए. यहां आइटम का मतलब कंपोनेंट है, पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, राइट. तो ये आइटम चाहिए, ये कंपोनेंट चाहिए, ठीक है जी. उसी क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में जरूर वो आगे बढ़ने के लिए तरीका देगा, या तो वो पीरियड देगा या वो सीधा वैल्यू दे देगा, कुछ देगा. अब सबसे पहले देखिए कि हर आइटम के केस में पीरियड कितना दिया हुआ है, पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना दिया हुआ है. आपने होल्डिंग पीरियड कर रखा है, साइकिल पीरियड कर रखा है, वो साइकिल पीरियड देगा. अब देखिए रॉ मटेरियल के पीरियड में, रॉ मटेरियल के केस में देखिए पीरियड क्या दिया हुआ है. एक एक पीरियड को घर में लिखते जाइए. पीरियड जो जो क्वेश्चन में पीरियड दिया है वो आप लिखते जाइए. लिख दिया रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड, WIP का होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड, डेटर्स का होल्डिंग पीरियड, एडवांसेस का पेमेंट पीरियड, ठीक है. ये आप देखते जाइए, आराम से आपको मिलेगा. अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और उसके बाद हम कैलकुलेशन में जाएंगे. इनको जब जोड़ेंगे तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगा. अब हम आते हैं लायबिलिटीज क्रेडिटर के लिए. तो हमारे घर बनाने में क्या आएगा उसको देखें, क्रेडिटर. क्रेडिटर के बाद क्या आएगा, लेबर.
लेबर के बाद आएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, देन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एंड देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बाद नेट टैक्स आउटस्टैंडिंग. अब हमारे पास आ जाएगा टोटल लायबिलिटीज. अब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से टोटल लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा नेट वर्किंग कैपिटल. नेट वर्किंग कैपिटल में एड हम कर देंगे क्या, प्रोविजन, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, और तब हमारा निकल जाएगा टोटल वर्किंग कैपिटल. तो आप देखिएगा, जब भी कोई आप घर बनाने चाहते हैं तो घर बनाते समय आराम से सबसे पहले ऊपर लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल, और उसमें अपने पास जो है टोटल 6 कॉलम डालिए, पर्टिकुलर्स, पीरियड, कैलकुलेशन, यूनिट ऑफ आउटपुट, रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, वैल्यूज, और उसमें आपके पास टोटल 14-15 आपके पास रो आ जाएंगे. पहले आइटम देख लेते हैं मैक्सिमम कितना बन सकता है, जरूरी नहीं है कि सभी होगा. तो वी कैन हैव अ कैश, वी कैन हैव अ रॉ मटेरियल, वी कैन हैव अ WIP, वी कैन हैव अ फिनिश्ड गुड्स, वी कैन हैव अ डेटर, वी कैन एडवांसेस, देन टोटल बिकम्स ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, देन क्रेडिटर्स, देन लेबर, देन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, देन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, देन नेट ऑफ अदर ओवरहेड कुछ होता है तो अदर ओवरहेड, नेट टैक्स आउटस्टैंडिंग, देन टोटल लायबिलिटीज बन जाएगा. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से टोटल लायबिलिटीज माइनस करेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, एड प्रोविजन करेंगे, टोटल वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, यानी घर बन के तैयार हो गया. घर बन के तैयार हो गया. जब ये पूरा घर बन जाए तो हमारे पास क्या यहां पे आ गया. अब एक एक घर को आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन ध्यान से आएगा कि कैश हमारे पास कितना जा रहा है जी, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ले लीजिए. रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड दिया रहेगा, पीरियड पहले लेते जाइए, पीरियड लेते जाइए कि आपके पास पीरियड क्या है. रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड दिया है, आराम से ले लीजिए. WIP का होल्डिंग पीरियड है, आराम से ले लीजिए. बट ध्यान रख लीजिएगा, WIP का होल्डिंग पीरियड, सपोज मटेरियल में 1 मंथ है तो 1 मंथ का पूरा प्रोडक्शन का आपको निकालना पड़ेगा. लेकिन WIP में अगर 50% बोल दिया तो हाफ मंथ हम ले लेंगे, बिकॉज हमें इक्विवेलेंट आउटपुट निकालना है, उसके लिए कितना पैसा चाहिए वो अपन लोगों को निकालना है. फिनिश कुछ का पीरियड ले लीजिए, देन डेटर का पीरियड ले लीजिए, देन एडवांसेस का पीरियड ले लीजिए. आपको पीरियड क्वेश्चन में दिया रहेगा, पीरियड जरूर लिखिएगा. उसके बाद आपको क्रेडिटर का क्या पीरियड है ले लीजिए, लेबर का कितना पीरियड है ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का कितना पीरियड है ले लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का कितना है ले लीजिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का कितना पीरियड है वो ले लीजिए. और पीरियड लेने के बाद में जब सारा कॉलम पीरियड का भर जाए तो फिर आगे बढ़िए. आगे बढ़कर निकालने का है उसे पीरियड के बाद यूनिट ऑफ आउटपुट. क्या निकालना है आपको, यूनिट ऑफ आउटपुट. अगर यूनिट ऑफ आउटपुट निकल गया, अगर यूनिट ऑफ आउटपुट निकल गया तो इमीडिएटली रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट दिया है. अब ध्यान दीजिएगा, रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए यहां पे आपको एक वर्किंग निकालना पड़ेगा. वर्किंग क्या निकालना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट या कॉस्ट शीट फॉर पर यूनिट ऑफ आउटपुट. तो आपको ये पूरा निकालना पड़ेगा. कॉस्ट शीट क्यों निकालना पड़ेगा यहां पे वर्किंग कैपिटल में, इसको ध्यान से समझिए. चूंकि अगर आप निकालते हैं तो आप वर्किंग कैपिटल किस पे निकाल रहे हैं, कॉस्ट पे निकाल रहे हैं, तो नेचुरली आपको निकालना पड़ेगा. जैसे आपने यहां देखा आपको कि आपको मटेरियल कॉस्ट चाहिए तो आपको मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल पे चाहिए. अगर आप फिनिश को देते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट पे चाहिए. अगर आप डेटर का वैल्यूएशन करते हैं तो सेल्स प्राइस पे होगा या कॉस्ट ऑफ सेल्स पे होगा. हालांकि दोनों ही सही है लेकिन मोर ऑथेंटिक अपन लोगों को बनता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में. बट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो अपन लोग तो सेल्स प्राइस पे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन कोई कॉस्ट ऑफ सेल पे निकालता है, ही इज ऑल्सो करेक्ट. तो यहां पे वर्किंग जरूर निकालिएगा. घर बनाने के बाद घर बसाने के सिलसिला में आगे कॉस्ट शीट जरूर निकालिएगा. और कॉस्ट शीट का फॉर्मूला तो आपको अच्छी तरह से पता है, आपको जरूरत नहीं है सेम फॉर्मेट में जाया जाए. मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कितना है, तीनों को जोड़ देंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगा. उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जोड़ देंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट निकल जाएगा. और उसमें मार्जिन जोड़ देंगे तो आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल जाएगा. ये आपको निकालना जरूरी है. हम आगे चर्चा करेंगे कि कई बार क्या होता है कि वो बोलता है स्टॉक आपको लेना है फैक्ट्री कॉस्ट में, कई बार कहता है नॉर्मल बेसिस पे, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे. तो आपने यहां पे देखा कि सिंपल चीज है, पहले घर बनाएंगे फिर घर बसाएंगे. घर बनाते समय मैक्सिमम आपके पास 6 कॉलम है एंड 14 रो है.
14-15 रो हैं आपके पास. ऑफ कोर्स ये रो आप ध्यान रखिएगा, आपको कॉलम एक एक याद है, आपको रो एक एक आपको याद है. उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें बताएगा कि उस घर को बनाने में बसाने में क्या क्या चाहिए, उसी आइटम को डालिए. जबरदस्ती कोई आइटम डालने की कोई जरूरत नहीं है. ये शेड्यूल 6 तो है नहीं, ये कंपनी एक्ट का कोई फॉर्मेट तो है नहीं कि उस फॉर्मेट में आपको लेके चलना ही चलना है और लेके आगे बढ़ना ही बढ़ना है. इट्स नॉट लाइक दैट. बस दो चीज ध्यान रखिए, घर बनाइए, घर बसाइए एंड कॉस्ट शीट बनाइए. अगर ये चीज आप बना सकते हैं तो वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से निकाल सकते हैं. इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा. इसके पहले कि हम आगे बढ़े, ऑन थियरी में हम आपको समझाएं कि यूनिट कैसे निकलेगा, चीजें कैसे निकलेगी, मैं चाहता हूं कि आप एक क्वेश्चन करें और क्वेश्चन में आप समझिए कि चीजें कैसे हो रही हैं एंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग. और ये है कंसेप्ट क्वेश्चन 3. काश कोई सीए स्टडी मटेरियल को एक मूवी की तरह बना देता. काश कोई कंसेप्ट समझा देता. काश कोई की पॉइंट्स याद करवा देता. काश एग्जाम में लिखते टाइम सारे पॉइंट्स एक मूवी के सीन की तरह सामने आ जाते, फिर तो एग्जाम में लिखने का मजा ही आ जाता. काश क्लास अटेंड करने के लिए क्लास में जाना ही ना पड़ता. डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल विद ATC. चिंता नहीं करने का, एनी टाइम क्लासेस है ना. लर्न एवरी पॉइंट ऑफ स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल एंड RTP. ATC इज नॉट जस्ट क्लासरूम रिकॉर्डिंग, योर एग्जम्पशन इज इंश्योर्ड. इट मेक्स यू केपेबल टू राइट एन एग्जाम. लर्न कंटेंट लाइक मूवी, लर्न लाइक नेवर बिफोर. फर्स्ट सी देन बिलीव. आराम से क्वेश्चन देखिएगा और इसी क्वेश्चन के संदर्भ में हम एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल को अच्छी तरह से समझेंगे. कंपनी वांट्स टू प्रोड्यूस 60,000 यूनिट ऑफ आउटपुट इन नेक्स्ट ईयर विथ यूनिफॉर्म इन्वेंटरी. सेलिंग प्राइस ऑफ आउटपुट पर यूनिट 5, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ₹3, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ₹3, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ₹1, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ₹0.50. आप आराम से देख रहे हैं, पर यूनिट ऑफ आउटपुट में मटेरियल कॉस्ट कितना है आप देख रहे हैं 3, लेबर कॉस्ट है 1, ओवरहेड कॉस्ट है 0.5. इसको बाद में हमें कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा. आप चाहें तो मुझबानी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन जरूर होना चाहिए बिकॉज एग्जामिनर आपके दिल में नहीं रहता. एग्जामिनर आपको कॉपी पे देखने के बाद मार्क्स देगा. प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए. तो ये इन्फॉर्मेशन कॉस्ट शीट के लिए है, आपको पता होना चाहिए. आगे बोलता है, इट इज डिसाइडेड दैट कैश विल बी केप्ट ₹1,00,000. अब देखिएगा, घर बनाने और घर बसाने में काम आएगा. कैश विल बी केप्ट ₹1,00,000. WIP होल्डिंग पीरियड 1 month एंड मटेरियल इज पेड इमीडिएटली एंड लेबर एंड ओवरहेड आर इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड. मतलब यह है कि 1 month के आउटपुट के लिए पूरा मटेरियल लग चुका है एंड हाफ मंथ के आउटपुट के लिए लेबर एंड ओवरहेड लगा है. नेक्स्ट, स्टॉक होल्डिंग पीरियड 2 months. स्टॉक होल्डिंग पीरियड 2 months. फिनिश गुड्स. डेटर पीरियड थ्री मंथ्स. क्रेडिटर पीरियड 2 months. लेबर पीरियड 1 month. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पीरियड 1 month. रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड 2 month. कंप्यूट द टोटल वर्किंग कैपिटल. टोटल वर्किंग कैपिटल, इज दैट क्लियर? अब
क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, मैं आपको फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं. कंपनी वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस 60,000 यूनिट ऑफ आउटपुट इन द नेक्स्ट ईयर विथ यूनिफॉर्म इन्वेंट्री सेलिंग प्राइस ऑफ आउटपुट पर यूनिट 5, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 3, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट रुपीज 1, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट रुपीज 0.50. It is decided that cash will be kept rupees 1 lakh, WIP holding period 1 month, and material is paid immediately, labor and overhead are evenly distributed, stock holding period, finished goods 2 months, debtor period 3 months, creditor period 2 months, लेबर पीरियड 1 month, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 1 month. अब आपको ये मंथ पता होगा कि इतने पीरियड का जितना आउटपुट में हमें लेबर चाहिए उतना हमें बकाया यहां पे मिल जाएगा, लेकिन डेटर पीरियड में है कि 3 month आउटपुट के बराबर हमें पैसा ब्लॉक करके रखना पड़ेगा डेटर के हैंड में ऑल द टाइम्स. ये मिनिमम पीरियड आप समझ रहे हैं, ये साइकिल पीरियड से आया हुआ है. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पीरियड 1 month, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड 2 months. कंप्यूट द टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. अब ये क्वेश्चन एज इट इज उसके यहां आ गया. अब आपने देखा कि आपका क्वेश्चन यहां आ गया, अब आपको घर बनाना है और घर बना करके घर बसाना है. घर बनाने के लिए आपके पास 6 कॉलम होना चाहिए. कॉलम 1 पर्टिकुलर्स, देन पीरियड, देन कैलकुलेशन, देन आउटपुट, देन पर यूनिट ऑफ आउटपुट, देन वैल्यूज. वैल्यू आपके ये हो गए, बात खत्म हो गई. घर बन रहा है, घर बनने में हमें 5, घर बनने में 6 कॉलम एंड मैक्सिमम 16 रो की जरूरत होती है. लेकिन कौन से घर में क्या क्या चाहिए, इसके लिए अपन लोगों को सवाल पढ़ने का है. अब क्वेश्चन यहां है, ये बताएगा कि इस घर में क्या क्या चाहिए बसाने के लिए. और बसाने के लिए सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कैश. देखिए कैश इसमें है या नहीं है, है. सेकंड चीज हमें चाहिए रॉ मटेरियल. आप देखिए रॉ मटेरियल की जरूरत है या नहीं है, है. थर्ड चीज घर बसाने के लिए चाहिए WIP. ये आपको याद है, क्वेश्चन में देखिए WIP है या नहीं है, है. उसके बाद हमें चाहिए फिनिश गुड्स. क्वेश्चन में देखिए क्या फिनिश गुड्स घर बसाने के लिए चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए. चलो जी फिनिश गुड्स. उसके बाद आ गया डेटर्स. अब देखिए डेटर्स इसमें क्वेश्चन में देखिए कि डेटर चाहिए नहीं चाहिए, वाव डेटर चाहिए. इसके अलावा देखिए कि क्या कोई एडवांसेस हैं हमारे पास, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसको नहीं लाएंगे क्योंकि हमारे घर में इस घर में बसाने के लिए, घर को बसाने के लिए नहीं चाहिए. अब हम देखते हैं और क्या है हमारे पास जो हमें चाहिए. क्या क्रेडिटर है इसमें, देखिए आराम से, क्या क्रेडिटर है, यस क्रेडिटर है. तो इस घर को बसाने के लिए अपन लोगों को क्रेडिटर चाहिए, तो चलो जी क्रेडिटर ले लिया. क्रेडिटर के बाद अब हमारे पास है देखिए कि क्या इस घर को बसाने के लिए अपन लोगों को लेबर चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेबर आउटस्टैंडिंग है. हाँ लेबर है, चलो जी लेबर ले लिया. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को हमें चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बसाने के लिए चाहिए, है क्या है, है. चलो जी क्वेश्चन में देखते हैं, हाँ है. अब हमारे पास आ गया क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, नहीं है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, नहीं है. नेट ऑफ टैक्स प्रोविजन कुछ है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं. हमें इस घर को बसाने के लिए जो जो चाहिए हमें हमने मिल गया, हमने ढूंढ के निकाल लिया. अब उसके बाद जब हमने घर बसाने के लिए क्या क्या आइटम चाहिए अपन लोगों ने ले लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन में कि एक एक को जो जो हमारे पास दिया हुआ है एज इट इज फिल करते हैं. अब देखिए कैश, क्वेश्चन में देखिए कैश का अमाउंट दिया हुआ है, यस 1 लाख, बहुत बढ़िया, सीधा हमारा
आंसर में आ गया 1 लाख। अब देखिए, घर बन भी रहा है, बस भी रहा है, आपने पूरा घर बना दिया। अगर किसी कारण से आगे नहीं लिख पाए और ये 15 नंबर का क्वेश्चन आया, तो यहीं तक में कम से कम 5 नंबर आपके पास मिल जाएंगे, बिकॉज एवरीथिंग जो रिक्वायर्ड है आपने प्लॉट कर दिया है। और जब ये बन गया तो आगे भी बन ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात अब उन लोगों को नहीं है। अब देखते हैं रॉ मटेरियल, क्या देखते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में देखिए कि पीरियड, होल्डिंग पीरियड कितना है। अब देखिए देखिए, रॉ मटेरियल का क्वेश्चन में होल्डिंग पीरियड है 2 मंथ्स। चलो जी, 2 मंथ लेके आ गए। अब देखते हैं WIP। WIP में आपका देखिए पीरियड होल्डिंग कितने हैं, 1 मंथ। और क्वेश्चन में दिखा हुआ है क्लियरली दिखा हुआ है क्वेश्चन में कि मटेरियल फेड इमीडिएटली एंड लेबर ओवरहेड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब है 1 महीना के आउटपुट के लिए कंप्लीट मटेरियल लग चुका है, लेकिन लेबर हाफ मंथ का लगा है। तो पीरियड में मटेरियल के आगे लिखे 1 मंथ, लेबर के आगे लिखे हाफ मंथ एंड ओवरहेड के आगे लिखे हाफ मंथ। अब क्वेश्चन में देखिए, फिनिश गुड्स क्या दिखा हुआ है, फिनिश गुड्स का पीरियड कितना लिखा हुआ है, 2 मंथ। 2 मंथ लेके आ गए। अब डेटर के ऊपर पीरियड देखिए कितना लिखा हुआ है, 3 मंथ। चलो जी, 3 मंथ आ गया। अब 3 मंथ के बाद अब देखिए कि क्रेडिटर का पीरियड कितना लिखा हुआ है, 2 मंथ। लेबर का पीरियड कितना लिखा हुआ है, 1 मंथ। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पीरियड कितना लिखा हुआ है, 1 मंथ। ये हमारे पास आ गया। अब इफ एवरीथिंग इज क्लियर फॉर अस, अब हमें 2 वर्किंग निकालनी है। अब इस बने हुए घर को हमने यहाँ साइड में रख दिया। डाउनलोड द ऐप एनी टाइम क्लासेस बाय CA क्लासेस इन ऐप, पेन ड्राइव, SD कार्ड एंड इन टैब। लर्न लाइक नेवर बिफोर बाय फुल कोर्स एट प्रमोशनल प्राइस। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द ATC ऐप फॉर फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। वर्किंग अपन लोगों को निकालना है। एक कि 1 मंथ का अपन लोगों का प्रोडक्शन क्या होगा। अब ध्यान से देखना, कंप्यूटेशन ऑफ 1 मंथ आउटपुट, तो लिखे आराम से इक्वल टू टोटल आउटपुट ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय हाउ मच, 12 इक्वल टू 5000। तो 60,000 अपॉन 12 इक्वल टू 5। तो 60,000 अपॉन 12 इक्वल टू 5। तो पर मंथ यूनिट ऑफ आउटपुट कितना हो रहा है आपके पास, 5000। क्लियर। अब साथ साथ हम लोग कॉस्ट शीट भी निकाल लेते हैं, ताकि हर आइटम से घर को भरते हुए चलेंगे। ये हमने पैटर्न बना लिया, पहले घर बनाएंगे, फिर घर बसाने वाले आइटम को लिखेंगे, फिर पीरियड को लिखेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ये हमारा पैटर्न होगा। देखिएगा, पैटर्न बहुत जरूरी है। हम लोग ने वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन का पैटर्न सेट कर दिया है, और ये सिंपल पैटर्न है। बचपन में माँ भी सिखाती थी, क्या सिखाती थी, और हमने सबने भी किया है। पहले हम फुल पैंट पहनते हैं, नहीं पहले हम अंडर गार्मेंट पहनते हैं, फुल पैंट, फिर हम फुल पैंट पहनते हैं। कभी ऐसा हुआ कि फुल पैंट पहना उसके ऊपर अंडर गार्मेंट पहना, नहीं पहना ना। पहनेंगे तो इसे क्या बन जाएंगे, हम सुपरमैन। दैट्स राइट, ओके, गुड वन। सो पैटर्न ये है कि पहले हम घर बनाएंगे, फिर हम घर बसाएंगे, बसाने वाले आइटम लिखेंगे, उसके बाद पीरियड लिखेंगे, उसके बाद हम उस घर को थोड़े देर के लिए साइड में करके वर्किंग निकाल लेंगे, ताकि एक एक आइटम को हम भरते हुए चले। हमने निकाला एवरी मंथ यूनिट ऑफ आउटपुट कितना बनता है, 5000। अब हम निकाल लेंगे इसमें कॉस्ट शीट, तो आराम से निकालेंगे कॉस्ट शीट फॉर पर यूनिट ऑफ आउटपुट। पर्टिकुलर्स, पर यूनिट कॉस्ट, मटेरियल ₹3 पर यूनिट ऑफ आउटपुट, क्वेश्चन में देखिए आ गया। लेबर ₹1 पर यूनिट ऑफ आउटपुट, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, यस। ओवरहेड 0.50, क्वेश्चन में दिया हुआ है,
देखिए आ गया टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितना आ गया 4.5 3 प्लस 1 प्लस 0.5 4.5 सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 5 क्वेश्चन में दिया हुआ 5 देन मार्जिन पर यूनिट कितना हो गया 0.5 इज दैट क्लियर अब हमारा एक एक चीज तैयार है अब हमारे कॉस्ट शीट तैयार हो गया हमारा यूनिट ऑफ आउटपुट पर मंथ आ गया इस वर्किंग को हमने साइड कर दिया अब ये सॉल्यूशन हमारा घर बसा बसाया घर हमारे पास सामने आ गया अब इस घर में देखिए कैश घर बसाने के लिए कैश की जरूरत है कितने रुपया थी कैश क्वेश्चन में देखिए कैश कितना रख रहा है 1 लाख वहां से लेके फिल कर दीजिए अब आ गया रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल के आगे देखता है 2 महीने का प्रोडक्शन के लिए अपन लोगों को रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा दैट्स क्लियर अब देखिए 1 मंथ का प्रोडक्शन कितना है 5000 यूनिट कितने महीने के प्रोडक्शन को अपन को होल्ड करना पड़ेगा 2 मंथ देन कैलकुलेशन में देखिए 5000 इंटू 2 इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट ऑफ आउटपुट 10000 यानी 10000 यूनिट ऑफ आउटपुट में जितना मटेरियल की जरूरत है उतना अपन को होल्ड करना पड़ेगा अब 10000 यूनिट ऑफ आउटपुट अब कॉस्ट शीट में देखिए कॉस्ट शीट में आप क्या देख रहे हैं कॉस्ट शीट में देख रहे हैं कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए रॉ मटेरियल 3 है देन 10000 इंटू 3 हाउ मच 30000 यानी कि 30000 रुपया का रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा अब हम सेकेंड आइटम देखते हैं WIP WIP में मटेरियल के रेफरेंस में रेफर लेबर के रेफरेंस में ओवरहेड के रेफरेंस में रखना पड़ेगा पीरियड देखिए 1 मंथ तो 1 मंथ का आउटपुट कितना हो गया 5000 राइट 5000 अब ठीक उसी प्रकार से यूनिट ऑफ आउटपुट ये आपके 1 मंथ का 5000 हो गया अब आपको हाफ मंथ एंड हाफ मंथ के लिए ओवरहेड चाहिए तो कैलकुलेशन में देख लिए यूनिट ऑफ आउटपुट कितना हुआ मटेरियल के रेस्पेक्ट में 5000 इंटू 1 5000 यूनिट ऑफ आउटपुट लेबर के लिए 5000 इंटू 0.5 2500 यूनिट 5000 इंटू 0.5 2500 यूनिट इसका मतलब है कि टोटल WIP जो 1 मंथ होल्डिंग पीरियड है 1 मंथ प्रोसेसिंग पीरियड है 1 मंथ कन्वर्जन पीरियड है उसमें 5000 यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए कंप्लीट मटेरियल लग चुका है 2500 यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए कंप्लीट लेबर लग चुका है 2500 यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए कंप्लीट ओवरहेड लग चुका है तो इसका वैल्यूएशन करेंगे 5000 यूनिट इनटू 3 क्योंकि मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 3 कॉस्ट शीट में देख लीजिए 5000 इनटू 3 15000 WIP का लेबर पोर्शन में देखिए 2500 इनटू 1 2500 एंड ओवरहेड में देखिए 2500 इनटू 0.5 1250 तो अब अपने घर में देखिए बसने वाले आइटम में कैश हो गया रॉ मटेरियल हो गया WIP हो गया फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड 2 मंथ है इट मीन्स द 2 मंथ का आउटपुट हमें होल्ड करना पड़ेगा सो 5000 इंटू 2 मंथ 5000 यूनिट ऑफ आउटपुट 1 मंथ का है देन 5000 इंटू 2 इक्वल टू 10000 10000 यूनिट ऑफ आउटपुट हमें होल्ड करना है स्टॉक की वैल्यूएशन हम कॉस्ट प्राइस पे करेंगे सो 10000 इंटू 4.5 इट्स कमिंग हाउ मच 45000 रुपीज डेटर के केस में देखिए 3 मंथ्स का सेल 3 मंथ का सेल हमारा होल्ड में होगा 1 मंथ का 5000 है देन 3 मंथ का 5000 इंटू 3 इक्वल टू हाउ मच 15000 दिस 15000 विल बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 5 दैट मीन्स हाउ मच 75000 रुपीज तो अगर हम इन सभी को जोड़ें तो हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 1 लाख प्लस 30000 प्लस 15000 प्लस 2500 प्लस 1250 प्लस 45000 प्लस 75000 दैट टर्न्स आउट टू बी 268750 ये हमारे पास ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ गया हमने कुछ नहीं किया हमने घर बनाया घर बसाने वाले आइटम को लिखा पीरियड को लिखा यूनिट को कन्वर्ट किया कॉस्ट शीट से हमने रेट निकाली और एकदम खटाखट हमारा आंसर निकलते हुए आ रहा है हमारे दिमाग में पैटर्न सेट है एंड ट्रस्ट मी अगर 5-6 क्वेश्चन भी आप
वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन का कर लेते हो तो 90% एक्यूरेसी लेवल पे किसी भी क्वेश्चन को आप लेके जा सकते हो, दैट इज माय गारंटी। और घर बनाने में 6 आइटम हैं, 6 कॉलम हैं, मैक्सिमम 16 रोज हैं। क्वेश्चन बताएगा कि बसाने के क्या क्या आइटम चाहिए, वो आप क्वेश्चन में देखिए, फिलअप कीजिए और पूरे 8 नंबर या 15 नंबर जितने नंबर का आता है आप लेके जाइए। काश कोई सीए स्टडी मटेरियल को एक मूवी की तरह बना देता। काश कोई कंसेप्ट समझा देता। काश कोई की पॉइंट्स याद करवा देता। काश एग्जाम में लिखते टाइम सारे पॉइंट्स एक मूवी के सीन की तरह सामने आ जाते, फिर तो एग्जाम में लिखने का मजा ही आ जाता। काश क्लास अटेंड करने के लिए क्लास में जाना ही ना पड़ता। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल विद ATC। चिंता नहीं करने का, एनी टाइम क्लासेस है ना। लर्न एवरी पॉइंट ऑफ स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल एंड RTP। ATC is not just classroom recording. Your exemption is insured. It makes you capable to write an exam. Learn content like movie. Learn like never before. First see, then believe. Crater. Crater mein period kitna hai? 2 months. One unit of 1 month ka output 5000 hai. To 2 month ka kitna hoga? 5000 into 2. 10,000 यूनिट। क्रेटर उसी रेट पे वैल्यू होगा जिस पे मटेरियल होता है, क्योंकि मटेरियल के अगेंस्ट नहीं है, बाकी के क्रेटर अलग दिए गए हैं। सो मटेरियल का रेट है 3, देन 10,000 इंटू 3 इज कमिंग हाउ मच? 30,000 रुपीज। लेबर के केस में देखिए इज अ 1 month, यानी 1 month ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए जितना लेबर चाहिए वो आउटस्टैंडिंग खड़ा है। सो 5,000 इंटू 1, 5,000 यूनिट। एक यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए लेबर कॉस्ट है 1 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1 इज अ 5,000 रुपीज। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 1 month है, यानी 1 month के आउटपुट का जो ओवरहेड है वो आउटस्टैंडिंग रहेगा। सो 5,000 इंटू 1, 5,000, रेट पर यूनिट है 0.5, हमारा वैल्यू आ रहा है 2,500। अब हम क्रेटर को पूरा जोड़ें तो 30,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500, 37,500 हमारा आ रहा है। तो टोटल हमारे पास करंट, टोटल करंट लायबिलिटीज 37,500 है। अब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज किया तो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल आ रहा है 2,31,250। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे इस घर में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। सो 2,31,250 हमारा आ गया। दिस इज व्हाट हाउ वी कैलकुलेट द हाउ वी एस्टिमेट टोटल वर्किंग कैपिटल। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसी के बेस पे हम आपको समझाएंगे कि रॉ मटेरियल निकालते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, WIP में, फिनिश गुड्स में, डेटर्स में, क्रेडिटर्स में, लेबर में, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, अपन लोगों को क्या क्या चाहिए, अपन लोग देखेंगे उसको, राइट? लेकिन पहले आप इस पैटर्न को दिमाग में रखिए, इसी पैटर्न के ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा आपके पास कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर, कंसेप्ट क्वेश्चन। आप जरा आराम से इसको पढ़ लीजिए। यस, गो थ्रू दिस क्वेश्चन वेरी वेल, आराम से। कंपनी विशेस टू प्रोड्यूस 60,000 यूनिट ऑफ आउटपुट इन द नेक्स्ट ईयर विद अ यूनिफॉर्म इन्वेंट्री। तो 60,000 साल का है तो महीने का 5,000 हुआ था। सेलिंग प्राइस ऑफ द आउटपुट पर यूनिट 5, मेटेरियल कॉस्ट 3, लेबर कॉस्ट 1, ओवरहेड कॉस्ट 0.5। आप आराम से देख रहे हैं इसको। कैश विल बी केप्ट 1 लाख, WIP 1 month, मेटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्टॉक होल्डिंग पीरियड सबसे बड़ा क्यूज है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के क्वेश्चन में, 2 months डेटर्स, 3 months क्रेटर्स, 2 month लेबर, 1 month मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, 1 month रॉ मटेरियल, होल्डिंग पीरियड इज 2 month, एंड अपन लोगों को कंप्यूट करना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसका सॉल्यूशन आपके सामने है, ये देख लीजिए, आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन है। यू कैन सी द सॉल्यूशन। आपके पास कॉस्टशीट है, आप कॉस्टशीट देख लीजिए। मुझे लगता है कि अब अगर वर्किंग कैपिटल एस्टीमेशन का क्वेश्चन आए
तो आप लोग कम से कम घर बना जरूर देंगे और घर बसाने वाला एक दो आइटम तो जरूर लिख ही देंगे, लेकिन पूरे के पूरे 16 आइटम 14 आइटम बिल्कुल जो गिनत में दिया हुआ है आपको 14 आइटम आपको कंठस्थ याद है। घर बनाने के लिए 6 कॉलम आपको कंठस्थ याद है। अगर आप इसको लिख भी देते हैं तो आप काफी हद तक मार्क्स लाने के करीब पहुंच जाएंगे। अगर आपको हमारा ये कंसेप्ट समझ में आया तो अपने दोस्तों को जरूर रेफर कीजिए, बिकॉज वी नीड देम, दे नीड यू। और ज्ञान जब बांटते हैं तो आपको अच्छा मिलता है और अच्छी चीजें बांटनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। गेट अपडेटेड टू स्कोर मोर, सब्सक्राइब टू एनी टाइम क्लासेस एंड क्लिक द बेल आइकन। दिल से समझेंगे, दिमाग से लिखेंगे, तभी तो एग्जाम चलाएगा। लेट्स गेट एग्जाम चलाएगा।